हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से जनरल केमिस्ट्री यूरेका में। और होली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप खुशियों के रंग हमारे जीवन में भरे रहें, यही ईश्वर से कामना है। आप अच्छे नंबरों से पास हों, दुनिया में रोशन करें नाम भारत का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास टेंथ जो सैंपल पेपर है, क्लास टेंथ सैंपल पेपर। और उसमें हमने सेलेक्ट किया CBSE 2020 दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली के जो सेट्स हैं उसको हम सॉल्व करवाएंगे। हालांकि फॉर्मेट चेंज हो गया है, 2021 में बहुत सारा टॉपिक जो हैं वो कट गए हैं 30%। इसके अलावा जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी जो MCQs हैं वो भी दे रखे हैं लास्ट ईयर के 2020 वाले में, और SSN रीजन वाले भी क्वेश्चन आपको हम उसमें कराते हैं। तो उससे आपको आइडिया हो गया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर जैसे पहला सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दे रखा है, नेम अ साइक्लिक सेट। फर्स्ट है ये सेट जो है वो फर्स्ट है, नेम अ साइक्लिक अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक, नेम अ साइक्लिक अनसेचुरेटेड तो बच्चों यहां पर सेक्शन ए को हम करा रहे हैं, और उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो यहां अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, हालांकि IUPAC नोमेनक्लेचर इस बार नहीं है, ठीक वो कट गया है, लेकिन यहां पर देख लीजिए साइक्लिक, जैसे यहां बहुत सारे बना सकते हैं हम, ये साइक्लोपेंटेन बना दिया मैंने, और साइक्लोहेक्सीन बना लीजिए 6 कार्बन का। कितने कार्बन होने चाहिए साइक्लोहेक्सीन में? 6 कार्बन होने चाहिए, तो 6 कार्बन है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अनसैचुरेटेड का मतलब समझते हो, जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो कहीं पे भी ये लगा दीजिए डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया साइक्लोहेक्सीन। ठीक, और भी बना सकते हो आप, मान लो ये नहीं बना सकते तो ये बना दीजिए, यहां बना दीजिए एक डबल बॉन्ड बना दो साइक्लोब्यूटीन। ठीक, आप साइक्लोप्रोपीन, ये है कितने कार्बन है इसमें? 1, 2, 3 कार्बन है, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो साइक्लोप्रोपीन। बेंजीन में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसमें भी आप उसको बेंजीन भी लिख सकते हो, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं उसमें। तो साइक्लिक यानी रिंग में हो, अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक, तो कार्बन के कंपाउंड हैं ये, आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका इसमें, नेक्स्ट है बच्चों यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप। ये 1 नंबर में क्वेश्चन था 2020 में दिल्ली आउटसाइड दिल्ली सेट्स में, सेट नंबर 1 में। ठीक, तो अब MCQs देखते हैं, इसमें MCQs कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको यहां से मैं रफ किए देता हूं। ठीक, जैसे केमिस्ट्री का पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर था ये, 5th क्वेश्चन था, और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स, ये MCQ में है, कैल्शियम
ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली जी ओ आर ओ यू एस एल वाई विगरसली विद वॉटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम टू प्रोड्यूस सेक्ट लाइम। इसकी रिएक्शन भी दे रखी है CaO प्लस H2O लिक्विड CaO प्लस H2O लिक्विड एरो CaOH का होल ट्वाइस एक्वस ये बना है। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं बच्चों दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज ए है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी है शॉर्ट में कर दिया मैंने रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सी है यहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन और डी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन पूछा है कौन सा है इसमें करेक्ट ऑप्शन। ए है ए एंड सी, बी है सी एंड डी, सी है ए सी एंड डी और डी है ए एंड बी। ठीक, तो देखो बच्चों इसका पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए क्या होगा। इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन तो है, दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं, ये सॉलिड है ये लिक्विड है और एक बन रहा है और इसके अलावा इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये कैसी रिएक्शन है मैं अपनी तरफ से लगाई देता हूं, ये कैसी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। ठीक, यहां पर एक्सोथर्मिक ये तो सही है, कॉम्बिनेशन भी है ये भी सही है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट देनी पड़ती है इसमें हीट देनी नहीं पड़ती अपने आप हीट निकलती है, ऑक्सीडेशन भी नहीं है क्यों कि ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ रहा है। कैल्शियम यहां प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां भी प्लस टू ही है, चेंज नहीं हुई है। ऑक्सीजन की माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां भी माइनस टू है। हाइड्रोजन की प्लस वन है, हाइड्रोजन की प्लस वन है। तो बताइए क्या चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, अगर इसकी कम होती है और इसकी ज्यादा हो जाती है यहां पर इधर तो मानते ऑक्सीडेशन नहीं है ना, तो इसलिए यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं है, नहीं रिडक्शन है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है ना, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है ये, क्योंकि यहां प्लस टू है यहां भी प्लस टू है, यहां माइनस टू है यहां भी माइनस टू है, यानी दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था यहां भी दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्लियर। तो ये भी नहीं है, तो ए और बी है, इसके ऑप्शन क्या है ए और बी, तो इसका क्या आंसर क्या होगा डी, कॉम्बिनेशन भी और एक्सोथर्मिक भी है। ठीक है बच्चों समझ में आ गया, तो इसको यहां से मैं आपको रफ किए देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए इस वीडियो में जिससे कि आपका टाइम भी बच जाए। नेक्स्ट है बच्चों ये है और में दे रखा है और में इसी के क्वेश्चन में व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड व्हेन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है वहां पे वैसे लिखा हुआ है गैस इज पास्ड थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 ए ब्लैक पीपीटी ऑफ कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है CuS इज
ऑप्टेंट एंड सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म्ड रिमेन इन सॉल्यूशन, एंड सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 रिमेन, मैं शॉर्ट में की दे रहा हूं इसको, इन सॉल्यूशन, ठीक है। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये रिएक्शन कौन सी है इसको देख लीजिए, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, इसको कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है या डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन है या लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, और डी है इसका फोर्थ ही किए दे रहा हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बताइए बच्चों क्या होगा इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। तो H2S इज पास्ट, देखिए रिएक्शन लिख लीजिए, H2S है प्लस, इसको पास किया जा रहा है किससे, ब्लू सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है, CuSO4 तो बनता है, Cu चला जाता है इसके साथ, हाइड्रोजन चला जाता है इसके साथ, CuS प्लस H2SO4, ये ब्लैक PPT बन जाता है, ब्लैक PPT, और ये सॉल्यूशन में रहता है लिक्विड फॉर्म में। तो दोनों तरफ से आयनों का एक्सचेंज है, इधर से इधर इस पे आया, प्लस माइनस, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ से आयनों का एक्सचेंज है, ठीक है बच्चों। तो आंसर हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, एक नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मजे करिए फिर एक नंबर लेके, एक एक नंबर से ही क्या है 70 मार्क्स होते हैं, ठीक। तो एक एक नंबर पे ही कंसंट्रेट आपको करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ से हटा दें इसको, रफ कर देते हैं, तो बूंद बूंद करके साकर भरता है, एक एक नंबर वालों को मत छोड़ना। यहाँ पर देखते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं ना एक नंबर का है इसमें से, इसे रहने देते हैं, नहीं, हर एक को कीजिए, जितने भी मार्क्स का आता है सबको कीजिए, सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। अगला देखिए, सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पर, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट, ठीक, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन किसके बीच है, रिएक्शन भी इन्होंने दे रखी है, रिएक्शन किसके बीच हो रही है बच्चों, यहां पर रिएक्शन दे रखी है सोडियम सल्फेट, तो मैं डायरेक्ट ये दे रहा हूं, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Na2SO4 प्लस एक है बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्या बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इसके साथ, ये इसके साथ, एक दूसरे के साथ BaSO4, क्या बनता है BaSO4, हाँ दूसरा मार्कर लेते हैं हम, ये ठीक चल रहा होगा, BaSO4 प्लस 2NaCl, ये बेरियम सल्फेट है, BaSO4 Ba, ये वाइट PPT बनता है इसमें, क्या बनता है वाइट PPT, ठीक, वाइट PPT कार्ड लाइक प्रेसिपिटेट। तो उसकी शायद मैंने एक वीडियो भी बनाया था, प्रैक्टिकल वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, इसमें क्या होता है एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, गलत, ये नहीं है, एटम्स का नहीं, आयंस का होता है, ये है Na+, 2Na+, SO4 क्या होता है 2-, Ba क्या होता है Ba2+, और Cl, ये आयंस का एक्सचेंज होता है इसमें, एटम्स का नहीं, एटम्स पे कोई चार्ज नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, सी
precipitate is produced, PPT is produced, और D है insoluble salt is produced, N insoluble salt is produced। बताइए तीनों ठीक हैं, ये वाले बी सी डी, आयंस का एक्सचेंज होता है, पीपीटी बनता है प्रेसिपिटेट, इनसोल्युबल, पीपीटी इनसोल्युबल ही होता है, सोल्युबल नहीं होता, वो बैठ जाता है बॉटम में, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ठीक हैं और इसमें पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, बी एंड डी, ए एंड सी, ओनली बी एंड बी सी डी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक, करेक्ट ऑप्शन, ये मल्टी यानी कि इसमें आपको एक से ज्यादा जो ऑप्शन है वो करेक्ट मिल सकते हैं। तो इसमें जैसे इन्होंने पूछा है करेक्ट ऑप्शन बी और डी, दूसरा है ए एंड सी, ए एंड सी, थर्ड है ओनली बी, बी है और डी है इसमें बी सी डी, बी सी डी। तो कौन कौन से हैं, बी सी डी, हाँ, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है, बी सी डी, ठीक है बच्चों। बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, जल्दी से स्कोर देख लेते हैं हम, इसको यहां से रफ कर दें, बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, इसको देखिए, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ, पहला बेकिंग पाउडर भी कह सकता है वो, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो बोला जाता है वो टार्टरिक एसिड मिला दिया जाता है, अगर मान लो इन्होंने बेकिंग सोडा भी दिया है तो उसका मतलब ये समझ लेना ये बेकिंग पाउडर के लिए ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके ऑप्शन हैं सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, ये विनेगर में पाया जाता है, बी है सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, सी है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड टैमरिंड से मिलता है, इमली जो होती है उससे मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। तो कौन सा होगा बच्चों इसमें, सोडियम बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, हाँ NaH NaHCO3 प्लस इसमें बेकिंग पाउडर और मिला दें, बेकिंग पाउडर बनाना है तो उसमें टार्टरिक एसिड, तो टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो वॉशिंग सोडा आता है Na2CO3 प्लस 10H2O, ये वॉशिंग सोडा में है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो, सी जो है वो सही है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको देखते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो ये तो जानते ही हो आप केमिकल फॉर्मूला, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन आए हुए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। एट्थ क्वेश्चन दे रखा है, द केमिकल फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज सी ए सी एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ, बी सी एस ओ फोर डॉट एच टू ओ, सी सी एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू ओ, और डी है टू सी एस ओ फोर डॉट एच टू ओ।
ठीक, तो इसका है ये वाला ऑप्शन है CSO4.5H2O। ठीक है बच्चों, इस टाइप से जो क्वेश्चन है MCQs मैंने आपको आज इसमें कराए हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ इस सेट के, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बच्चों, इसको करते रहिए आप रिवीजन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।